शुक्ला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। प्रज्ञा शुक्ला जो है वो एक मीडिया पर्सन है आप लोगों की तरह ही, और एक बहुत ही बेबाक और बहुत ही स्ट्रांग लड़की है जो सच्चाई लेके आने में बिलीव करती है। उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस ड्यूरिंग उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें उसकी उसको ज़ुबान बंद करने के लिए उसके साथ ऐसी चीज़ें की जाती है। जो एक मेरा सीन बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मेरे कपड़े रिप ऑफ किए जाते हैं और उस पर लिखा जाता है कि वोट फॉर मैडम। सो वो एक बहुत ही ज़्यादा सीन मेरे लिए ऐसा था कि इनफैक्ट जब मैं वो सीन फिल्माया उसके बाद आई थिंक आधा एक घंटा मैं उस सीन से बाहर नहीं निकल के आ पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सच में मेरे साथ हो गया है और मैं एक शॉक में चली गई थी। सो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ अब कि जो भी अभी बंगाल में हो रहा है उस लड़की के साथ हुआ है। सो ये कितना पेनफुल है और मैं एक एक्टर हूँ, मैंने वो सीन को फिल्माया है तो मेरे लिए वो इतना ज़्यादा हॉरिबल सीन था। सो जिन लड़कियों के साथ रियल में ये चीज़ें हो रही हैं सो उनके लिए ये कितना ज़्यादा एक दर्दनाक चीज़ है। एंड प्रज्ञा शुक्ला जो है बेसिकली वो इस कहानी की जो विक्टिम है हमारी, तो उसकी सच्चाई को सामने लेकर आती है और वो कैसे लेकर आती है ये आपको इस मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। नमस्ते, मेरा नाम अर्शद मेहता है और मैंने सुहासिनी भट्टाचार्य जो एक बांग्लादेशी हिंदू ब्राह्मण की लड़की होती है, पंडित की लड़की होती है और उसकी फैमिली को मार डालते हैं, उसकी सिस्टर के साथ रेप होता है और वो उसी माहौल से भागकर उनकी थोड़े और महिलाओं के साथ वो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आती है। और जब वेस्ट बंगाल के सबसे ईस्ट साइड आती है तो वो समझती है कि यहाँ पे हिंदू की हालत अच्छी रहेगी, पर जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे भी हिंदू की हालत ऐसी ही है तो उसके साथ जो भी वो प्रोसेस में पूरी जर्नी में उसके साथ बहुत इनजस्टिस होता है। बांग्लादेश में उसके साथ इनजस्टिस होता है और बंगाल में भी इनजस्टिस होता है। वो सोचती कि भारत में हिंदुस्तान में जबकि हिंदुओं की हालत अच्छी होनी चाहिए तो ऐसे क्यों, यहाँ पे भी वैसा माहौल क्यों है जो बांग्लादेश में है। तो वो इसी मुद्दे को लेकर वो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है। जो भी उसके साथ ऑपरेशन, जो भी उसके साथ इनजस्टिस हुआ है वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है। ह्यूमन राइट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सारी मिनिस्ट्रीज़ को, सबको बताना चाहती है कि वहाँ पे जो हिंदुओं की हालत है वही हिंदुओं की हालत बंगाल में भी है। तो ये कहानी जब एक लड़की, जब मैंने प्ले किया था तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया था, मैंने ऐसा कुछ भी बिना सोच समझे नहीं किया है, बल्कि एक एक सेंटेंस, एक एक डायलॉग के पीछे मैंने डायरेक्टर को यही बोला था कि सर मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं करूँगी जब तक मेरे सामने कोई प्रूफ ना हो। तो सर ने मुझे काफ़ी वीडियोस, काफ़ी चीज़ें दी थी रीड करने के लिए एंड व्हेन आई वेंट थ्रू इट इज़ ओनली व्हेन मैंने वो डायलॉग्स बोले हैं, वो चीज़ें की हैं। तो आई थिंक विथ एवरी सीन रिलेटेड वी हैव इनफ प्रूफ कि ऐसा सच्चाई और हकीकत में हुआ है। और ऑफकोर्स ये सीन इतना इंटेंस था जिसके लिए मुझे एक कैरेक्टर में इंडल्ज होना बहुत ज़रूरी था, तो मैं मेरे जोन में ही रहती थी थ्रू आउट द 35 डेज बिकॉज मुझे एकदम ऑनेस्टी और सच्चाई से ये लड़की को दिखाना था सब लोगों के सामने, ताकि ये जो सच और दुख भरी कहानी है वो ऑडियंस को रिलेट हो। तो इसलिए हमने काफ़ी ऑनेस्टी से, सारे कैरेक्टर्सों ने अपना अपना काम काफ़ी ऑनेस्टी से किया है, इसलिए फिल्म ऐसी आई है। बेसिकली एक बात है बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये जो पीर है, दर्द है, एक कविता है बहुत प्यारी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग जो वसीम जी ने जलाई है, सनोज जी ने जो जलाई है, इस फिल्म ने जो जलाई है, वो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया में जलनी चाहिए, वो बात दुनिया तक आनी चाहिए। साहब आप सनोज जी के पीछे क्यों पड़ गए? देखिए सनोज जी खुद अपनी मर्जी से गए थे, खुद अपनी मर्जी से आएंगे, जब आएंगे आपके सामने होंगे। देखिए मैं फिल्म का मेकर हूँ,
सनोज जी का काम था कि फिल्म को डायरेक्शन देना, उन्होंने डायरेक्शन दिया, अपना काम पूरा करके ही तो गए, अब घूमे फिरे जब आना होगा आ जाएंगे। मैं इसमें लीड कैरेक्टर कर रहा हूँ और इसमें मेरे दो कैरेक्टर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अतीक और प्रतीक। और मेरा इसमें कैरेक्टर है कि कैसे मैं एक ये सुहासिनी को मिलता हूँ बांग्लादेश में, और कैसे उसको अपनी पॉजिटिव साइड दिखा के मोटिवेट करके अपने साथ बांग्लादेश वेस्ट बंगाल लेकर आता हूँ, और कैसे उसका ब्रेन वॉश करता हूँ ताकि वो अपना धर्म बदले। और ये इस तरीके का कैरेक्टर है, और इसमें थोड़ा लव जिहाद का भी पार्ट है। और मेरा इसमें कैरेक्टर है कि मैं एक प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहा हूँ, तो इस तरीके का कैरेक्टर है मेरा। और प्रिंटिंग प्रेस में एक मेरा डायलॉग है बहुत वायरल हो रहा है कि भाईजान वेद पुराण गीता और सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके लखनऊ अयोध्या बनारस में फ्री में भेजी जा रही है, तो इससे आपको पता चलता है कि वहाँ पर ये सब क्या सब सारी चीज़ें चल रही हैं, कि मार्केट में हमारी धार्मिक किताबों को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, तो इस तरीके का कैरेक्टर है। सर, आपको कितना एक्साइटमेंट है कि दुख है कि आपकी फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है या फिर बहुत हिट हो जाएगी मूवी आपकी, क्योंकि जी हर जवान पे ये फिल्म का नाम है जी, क्या सोचते हैं आप, खुशी है कि टेंशन है? नहीं, खुशी है क्योंकि डेब्यू फिल्म है तो खुशी है, और हमारे माध्यम से एक अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों तक, तो खुशी है बिल्कुल। ये जो कंट्रोवर्सी इसको लेकर कंट्रोवर्सी को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एज एन एक्टर हमारा काम था अपने इंसाफ करना कैरेक्टर से, तो हमने किया है। अब पूरी स्टोरी आप लोगों को यहीं बता देंगे तो फिर आप लोग देखेंगे क्या, जो दिख रहा है वो सब है, जो भी दिख रहा है जितने भी उसके पार्ट्स वायरल हुए हैं, तो जो दिख रहा है वो हमारी फिल्म के पार्ट्स हैं और वो सच्चाई है। देखिए, धन्यवाद आप लोगों का, जितने भी मीडिया भाई हैं हमारे यहाँ पे, और फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल 30 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, और जाहिर सी बात है कि अब 2-5-7 दिन बचे हैं रिलीजिंग के लिए, और जैसे कि आपने कहा, कोई डर या खौफ मेरे में नहीं है। हाँ, फिल्म को लेकर जो बातें अभी तक मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, तो इस बात को हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस फिल्म को बहुत साफ़ सुथरा बनाया है, किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, किसी तरह का कोई मजहबी एजेंडा नहीं है, किसी मजहब के ख़िलाफ़ नहीं है, हमने इंसानियत के पक्ष में इस फिल्म को बनाया है, एक ट्रू स्टोरी है इस फिल्म की। और जाहिर सी बात है कि जिस वक्त कोई सच्ची घटना या सच्ची कहानी एक्सपोज होती है तो उस पर बवाल मचता ही है, ये कोई नई बात नहीं है। और जैसे अभी पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ घटना घटी तो पूरे मीडिया ने देखा, तो हम भी बहुत इस फिल्म के माध्यम से बहुत से ऐसे पर्दे उठाने जा रहे हैं जो कि बहुत छुपे हुए हैं, उन कहानियों को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो कब्र में दफना दी गई थी और जिनकी आवाज़ को खामोश कर दिया गया था। हमारी फिल्म क्योंकि एक मजबूर बेसहारा उस पीड़ित लड़की की है जिसके आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया, उसकी बहन के साथ में गैंगरेप हो गया, और वो न्याय मांगने के लिए हिंदुस्तान आई, जाहिर सी बात है बांग्लादेश से आई है तो पश्चिम बंगाल में ही आई, और पश्चिम बंगाल के हालात
बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इस वक्त मौजूदा दौर में बांग्लादेश के हैं, और क्योंकि वहाँ पर टीएमसी की हुकूमत है, ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी फिल्म का जो अपोज हो रहा है वो ममता बनर्जी और टीएमसी के जो गुंडे हैं, जो उनके नेता हैं, उनके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है वो ममता बनर्जी और टीएमसी की हुकूमत का है। हमने टारगेट नहीं किया है उनको, लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो आपको एक जाहिर सी बात है कि वहाँ की मौजूदा हुकूमत की जो कट्ठा छिट्टा है वो भी सामने आएगा। जब हम किसी बलात्कार की बात करेंगे तो टीएमसी का नाम सामने आएगा। जब हम वहाँ पर हिंदुओं के कत्ल की बात करेंगे तो टीएमसी के नेताओं की बात सामने आएगी। वो मजबूरी है। शाहजहाँ शेख का मामला आपने देखा, शाहजहाँ शेख का भी किरदार हमारी फिल्म में है, क्योंकि उसको हमने पहले ही सर्च कर लिया था और वो तो हमारी फिल्म की शूटिंग के बाद वो पकड़ा गया है और उसका मामला एक्सपोज हुआ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हैं, लेकिन ये फिल्म ज़रूर पश्चिम बंगाल की कहानी है, लेकिन ये जुड़ी पूरे देश से है, पूरे भारत से है, क्योंकि भारत को पश्चिम बंगाल में हो रही एक्टिविटीज़ से किस तरह की शर्मिंदगी पूरे विश्व में उठानी पड़ रही है, या पश्चिम बंगाल के माध्यम से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आतंकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रोहिंग्याज एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे पूरे हमारे देश को किस तरह का ख़तरा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारे देश से जुड़ी हुई हैं, भारत से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के विवाद तो सामने आएंगे ही, और हम उसको फेस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी फिल्म किसी यूँ कहें कि किसी तवायफ के घुंघरों की आवाज़ नहीं है। हमारी फिल्म एक बेसहारा, एक ऐसी पीड़ित मजबूर लड़की की आवाज़ है जिसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोज करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। हमारी फिल्म वो आवाज़ है कि जब तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब में उस वाक़े को लिखा तो उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, तो वही वाक़े से हमारी फिल्म शुरू होती है और उसके बाद फिर वो पश्चिम बंगाल आती है, और पश्चिम बंगाल में किस तरह से रोहिंग्यास को फर्जी आईडीज बनाकर उनको पूरे देश में शिफ्ट किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ की आबादी रोहिंग्यास जो घुसपैठी हैं। देखिए, इस बात को भी हम साफ करते हैं कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं, हम ख़िलाफ़ हैं आतंकी मानसिकता के जो विदेश से आए हैं और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करके बस रहे हैं और हुकूमत उनको बसा रही है। जाहिर सी बात है वो विदेशी हैं, उनको भारत से ना कोई मोहब्बत है, ना भारत के संविधान की वो एहतराम करते हैं। वो विदेश से आए हैं, उनका एक मकसद है कि भारत में अशांति फैलाना, उनका एक मकसद है कि भारत का जो एक अच्छी गंगा जमनी तहजीब है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसमें दरार डालना। और जब वो वहाँ पर बड़ी बड़ी आबादियाँ बसा कर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का जो हिंदू है वो उनके कारोबार सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। भारतीय मुसलमानों के साथ में तो ठीक है, वो सुरक्षित हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह की ज़हनियत के लोग आ जाते हैं जिनका मकसद ही सिर्फ आतंक है, जिनका मकसद ही सिर्फ लड़कियों के साथ में, वो भी हिंदू लड़कियों के साथ में बलात्कार है, जिनका मकसद सिर्फ हिंदुओं का कत्लोआम है, और वो आबादी बसाकर जब वहाँ पर बांग्लादेश में रह रहे हैं तो मजबूरी है वहाँ के हिंदुओं को भागने की, और वो वहाँ से भाग रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कई बार एक्सपोज हो चुका है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस वक्त कश्मीर में ऐसा हुआ तब भी दुनिया ने देखा कि एकाएकी वहाँ के हालात कैसे बदल गए, एक बहुत बड़ा कत्लोआम कश्मीर में हिंदुओं का हो गया। तो उस वक्त जिस वक्त कश्मीर में ऐसे हालात थे, वही हालात अब रिपीट बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की हुकूमत सिर्फ अपने वोटों का, उनकी वोटों की राजनीति हो सकती है। जाहिर सी बात है कि वो सरकार पर काबिज रहना है एक हुकूमत को, तो उसको किसी न किसी तरह का भय दूसरे वोटरों में लाना पड़ता है, या अपने वोटरों को सहूलियतें देनी पड़ती हैं,
अगर वो आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना पड़ता है, अगर वो रेप कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ये ममता बनर्जी की मजबूरी है। तो हमारी फिल्म ये सारी चीज़ों को एक्सपोज करने जा रही है, और हमको कई बार रोकने की भी कोशिश की गई, हमारे ऊपर FIR हुई जब हमने फिल्म को अनाउंस किया, तो हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल में FIR हुई, फिर जैसे ही हमने रिलीज़ की डेट डिक्लेयर की तो हमको नोटिस देकर 18 तारीख को वहाँ बुलाया गया। हमने अपने वकील को भेजा, क्योंकि हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम वो दाना डालें और हम एक सीधी सादी चुड़िया की तरह वहाँ आके दाना चुगने लगे, उनके जाल में फंस जाएं। उनका मकसद यही था कि वो हमको वहाँ बुलाएं और बुलाकर हमको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके हमको जेल भेजें और वहाँ हमारी हत्या TMC के लोगों के माध्यम से करवा दें, क्योंकि हमारी हत्या के बहुत से ऐसे फतवे हैं जो कट्टरपंथी दे चुके हैं, और पश्चिम बंगाल में एक कट्टरपंथियों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में आबादियां बसी हुई हैं जिसका मकसद सिर्फ कत्ल आम है। देखिए, एक रोहिंग्यास का गाना हमने शूट किया है, जो रोहिंग्यास का कल्चर है जिस तरह का हमको देखने को मिला, क्योंकि वो गाना बजाने वाले जो उनके अपने जो जिससे वो गाना बजाते हैं, ढोलक है या और चीज़ें हुई, उस पर वो इस तरह के नाम लिखते हैं, तो उसमें मोहब्बत का नाम अगर लिखा हुआ है हम ये समझते हैं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आपने ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं किया जिस वक्त PK बनी थी और उसमें एक टॉयलेट में शंकर भगवान का एक मजाक बनाया गया था? ये सवाल आपको आमिर खान से करना चाहिए था ना। पूरे उसमें आपने महादेव शंकर भगवान को आपने टॉयलेट में बंद किया और उसके साथ उनके साथ में मजाक किया, उनके साथ हाथापाई की, तो जाहिर सी बात है वो एक नाटक का किरदार था, लेकिन आप उस वक्त वो नाटक वो किसके भेष में थे? शंकर भगवान के ही भेष में थे ना, तो क्यों नहीं आपत्ति हुई आप लोगों को? आज ढोलक पे मोहम्मद का नाम लिख गया तो इस तरह की आपत्ति है? जो हमने दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया है, और ये नाम वाब जो जिस तरह का प्रेशर हमारे ऊपर बनाया जा रहा है, हम कोई भी सीन, क्योंकि सेंसर से सब पास हो चुका है, हम किसी तरह का कोई सीन किसी के दबाव में आकर फिल्म से काटने वाले नहीं हैं। सर ये तो बात हो गई अलग, लेकिन कहानी अलग मोड ले गई है पूरा, आपका डायरेक्ट गायब हो जाता है, बाद में वो सदी धारा पे मिलता है, घाट पे मिलता है, यूपी में ही मिलता है, यूपी का ही रहने वाला है, यूपी के अंदर ही मिलता है, तो क्या है सर? कोई कह रहा है नगर कहानी है, कोई बोलता है गायब किया है, कोई कुछ बोलता है, देखिए पब्लिसिटी स्टैंड इसको इसलिए नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो गायब हुए थे और पिक्चर के रिलीज़ हो जाने के बाद और वो जब हमारी फिल्म उतर जाती उसके बाद प्रकट होते तो ये समझते कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि वो जब से ये फिल्म बनी है उनके ऊपर भी FIR थी, वहाँ बंगाल की पुलिस उनको मुस्तकिल फ़ोन कर कर के परेशान कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा उनका परिवार और सनोज मिश्रा खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और वो हमसे खुद टिकट करवा कर पश्चिम बंगाल गए थे, कोलकाता गए थे कि वो वहाँ पर जाके अपना बयान नोट कराएंगे, लेकिन वहाँ क्या हालात हुए, क्यों वहाँ से भाग आए, उनका उस वक्त की पोजीशन क्या है, क्योंकि उनकी तस्वीर हमने भी देखी है, वो बहुत बीमार से दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दबाव बना, ये जब वो मिलेंगे तब इस पर बात होगी, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टैंड नहीं है। अगर पब्लिसिटी स्टैंड होता तो सनोज मिश्रा आज नहीं मिलते, फिल्म उतरने के बाद मिलते। जो मीडिया के माध्यम से पता चला, क्योंकि अभी मेरी उनसे बात हुई नहीं है, मीडिया के माध्यम से पता चला कि उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वो बहुत टेंशन में हैं और उनकी जिस इस वक्त जो उनका हालात हैं, हम यूं कहें कि वो एक तरह से मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, अगर उन्हीं ने अपने फ़ोन बंद किए, या अब ये तो जब वो मिलेंगे तब उनसे बात होगी कि ऐसा किन हालात में हुआ, और जब आदमी देखिए बहुत टेंशन में होता है तो वो किसी से बातचीत भी नहीं करना चाहता, हो सकता है उन्हीं ने सबसे दूरी बनाई हो, इस पर अभी हम कोई जवाब पूरी तरह से नहीं दे सकते जब से मुलाकात नहीं हो जाए। सर डायरेक्टर जो है पायलट होता है, एक तरह से कैप्टन होता है पूरी फिल्म का,
देखिए, जिस वक्त ये सूचना आई कि उनके मोबाइल कई दिनों से बंद चल रहे हैं, तो हमने वहाँ पर उनके लिए एक वकील को भेजा, थाने पे पता करवाया और वहाँ पर एप्लीकेशन भी थाने पे डलवाई कि वो यहाँ आए थे, उनकी लोकेशन भी वहाँ की है, लेकिन कहाँ गए ये नहीं पता, उनका मोबाइल बंद है। तो अब देखिए, वही चीज़ है कि जब तक के सामने कोई बात होए ना, अभी तक तो वो बॉम्बे आए नहीं, आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे, तब वो अपना स्टेटमेंट, जो इस हालात में होंगे अपना स्टेटमेंट दे पाए तो वो देंगे। अरे साहब, आप लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते ना। सर, मैं आपकी बात से डरना नहीं कर रहा हूँ। अभी जो है, इसके बाद में बांग्लादेश का भी हुआ है, इसके बाद में कोलकाता का भी हुआ है, तो आपकी फिल्म बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गई, आपको लगता है इस बात को लेकर? देखिए, जिस वक्त हम शूटिंग कर रहे थे ना, तो बांग्लादेश और बंगाल में बारूद बिछा हुआ था, आग तो अब लगी है, तो वो बिछा हुआ बारूद तो हमने खुद देखा था, और वहाँ की कहानी जब हम शूट कर रहे थे, हमको दिखाई दे रहे थे कि वहाँ क्या हालात हैं, लेकिन वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई और उसके बाद वहाँ पर आग लग गई, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा बांग्लादेश से, तो जाहिर सी बात है कि जो हुआ वो तकलीफ देह है, जो हुआ, क्योंकि हिंदुओं के घर जले, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं की लड़कियों के साथ में बलात्कार हुए, यही सब हमने फिल्म में भी दिखाया। जिस वक्त टीवी पे ये चीज़ें हम देख रहे थे, तो हमें लगता था कि हमारे फिल्म का ही कोई शॉट चल रहा है, तो वो हालात तो हम देख ही चुके थे, एक्सपोज तो अब हुआ है हमारी फिल्म बनने के बाद। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रिलीजिंग की डेट से पहले हो गया, तो जाहिर सी बात है दुनिया इस बात को अब देखेगी कि हमने फिल्म में क्या दिखाया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस बात से पूरी तरह अवगत हैं, और जब सदन चलते हैं, पार्लियामेंट चलता है, तो उसमें रोहिंग्यास के ऊपर तमाम बातें, डिस्कशंस भी होते हैं, जो हमारी जांच एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स भी हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिल्म के माध्यम से ही हम सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रोहिंग्या हमारे देश के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। किसी वक्त भी अगर जिहादी कोई मूवमेंट हो गया या कोई इस तरह का जिहाद का ऐलान हो गया, तो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं, ये जो घुसपैठियाँ आए हैं बड़ी तादाद में, यही कहीं ना कहीं हिंदुओं के घरों में आग लगाएंगे, और पूरे देश में ऐसी घटनाएं होंगी जो आज पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो देश को भी अलर्ट होना चाहिए, पब्लिक को भी अलर्ट होना चाहिए, और हुकूमतें तो अलर्ट हैं, वो कार्रवाई कर रही हैं। हाँ, ममता बनर्जी ज़रूर इस वक्त बेहोश हैं, हुकूमत अलर्ट है लेकिन वो बेहोश हैं, उनको नहीं मालूम कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है, उनका सपोर्ट नहीं होता तो पश्चिम बंगाल की ऐसी हालात क्यों होते। आप वही चीज़ तो दिखा पाते हैं कि जो चीज़ जहाँ तक आपका कैमरा पहुँचता है, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है, आप तो वहाँ अगर आप पश्चिम बंगाल की उन इंटीरियर आबादियों में चले जाएं, उन गांव कस्बों में चले जाएं, तो ऐसी घटनाएं रोज़ की हैं। टीएमसी के लोग वहाँ रोज़ बलात्कार करते हैं हिंदू लड़कियों के साथ में, रोज़ उनके घर जलाते हैं, रोज़ हत्याएं होती हैं, ना मुकदमा लिखा जाता है, ना थाने भी उन्हीं के हैं, गुंडई भी उन्हीं की है, हुकूमत भी उन्हीं की है। तो शाहजहां शेख कब एक्सपोज हुआ? उसके खिलाफ जब बहुत ज़्यादा हो गया, आवाज़ उठी, तब एक्सपोज हुआ। लेकिन वो कितना लड़कियों के साथ में, वहाँ पर हिंदू लड़कियों के, जिनके साथ में आपने पूरी स्टोरी देखी, कितना हो चुका था? क्या ये फौरन हुआ था? सालों से चल रहा था। जिस वक्त फिल्म हमारी सेंसर हो गई है, उस वक्त हमको दारुल उलूम कराची से एक फतवा आया था, जिसमें हमारे सर काटने का, वो तो सर काटने का इनाम तो बहुत पहले से है, एक और उसमें बढ़ गया था, तो सर काटने का एक फतवा दिया गया था और कहा गया था, यही ढोलक वाली बात उसमें भी लिखी गई थी कि आपने मोहम्मद की तौहीन की है, ढोलक के ऊपर इस तरह का नाम लिखा है, तो हमने उसकी सूचना गवर्नमेंट को दे दी थी।
तो ये तमाम इस तरह के दहशत फैलाने की बातें या फतवे ये सब देते रहते हैं, और हम ये समझते हैं कि आम मुसलमानों को इस तरह की अफवाहों पे गौर नहीं देना करना चाहिए, इससे अलग रहना चाहिए। आपके राइट में सर, आपका परिचय? मेरा नाम देव फौजदार है और इस फिल्म में मैं विशाल का चरित्र कर रहा हूँ। और ये विशाल एक ऐसा युवा है जो बंगाल के युवा को रिप्रेजेंट करता है, वो यूथ जो कुछ करना चाहता है जीवन में, नौकरी पाना चाहता है, लेकिन वहाँ के मौजूदा हालात की वजह से वो रोज़गार नहीं पा पाता क्योंकि सारी नौकरियाँ, सारे बिजनेस, सारी कंपनियाँ शिफ्ट हो चुकी हैं अलग अलग। तो एक ऐसा युवा का चरित्र मैं कर रहा हूँ जो बहुत पॉजिटिव है अपने समाज को लेकर, अपने देश को लेकर और अपने आप को लेकर, लेकिन हालात वैसे हैं कि वो ऐसे मौजूदा हालात में पॉजिटिव रह ही नहीं पा रहा है, चाह कर भी नहीं रह पा रहा है। तो मेरा विशाल का चरित्र है। आज के हालात में क्या ये फिल्म रिलीज करना उचित है, और फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है? सेंसर बोर्ड ने तो पहले उसको हमारी फिल्म को खारिज कर दिया, सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। फिर हम रिव्यू कमेटी में गए, रिव्यू कमेटी ने उसको देखा, हमसे साक्ष्य मांगे, जो हमने घटनाएं दिखाई हैं हमने वो सारे साक्ष्य उनको दिए, तो उनकी मजबूरी थी कि हमारी फिल्म को पास करें, क्योंकि हम जो भी दिखा रहे हैं वो असलियत दिखा रहे हैं, तो वो रोक नहीं सकते। नहीं नहीं, कुछ एक आध कट्स उसमें, एक रोहिंग्या के जो हैं वो एक लड़की का कत्ल करके उसके मांस की बिरयानी बना के खाते हैं, और ये घटना है, रोहिंग्याज इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। एक हिंदू लड़की को कत्ल किया जाता है, गोली मारी जाती है, उसके बाद फिर उसके बिरयानी के चावल में उसका गोई डाल कर पकाया जाता है। तो ये हमने फिल्म में दिखाया है, तो उसमें थोड़ा सा उन्हीं ने कट किया है, जहाँ पे हमने ह्यूमन पार्ट्स को खाते दिखाया था वो लड़की की हत्या और बाकी सब दिखाया है, बाकी कुछ थोड़ा सा बस। आपके लेफ्ट में सर, आपका परिचय? जी नमस्कार, मेरा नाम यजुर मारवा है और मैं इसमें नदी बोलिए सर जी। हाँ, कर्नल शेख कुमार बाइक के पास।